किसान भाई आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। जैसा कि अब हम आपको हमारा दूसरा जो एपिसोड है इसमें हम आपको अभी बताने वाले हैं कि जो भंडारा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जिन गांव में वैयक्तिक तौर पर मैं खुद जाकर उन गांव वालों की समस्या जानी है, जिसमें रामचंद्र अवसरे यह भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है और उन्होंने क्या क्या किया है। जैसा आपको मैं एक बात बता दूं, एक रुपए की दोनों बाजू होती है जिसमें हेड और टेल होती है, कुछ इसी प्रकार रामचंद्र जी अवसरे इनका व्यक्ति महत्व है। जैसा कि मैंने बताया हेड और टेल, अगर आप हेड हैं तो आपको पॉजिटिवली उसके रिजल्ट मिलेंगे और आप टेल हैं तो उसके आपको निगेटिवली रिजल्ट मिलेंगे। जैसा ये माटगी गांव वालों का, माटगी गांव में कम वोटिंग होने की वजह से यानी रामचंद्र जी अवसरे को कम मत मिले, जिसके चलते इस गांव का पूरी तरह से विकास उन्होंने जीरो कर दिया है। आइए देखते हैं माटगी गांव वाले क्या कहते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है 61 नंबर की विधानसभा, जो कि भंडारा विधानसभा आती है। ये रामचंद्र अवसरे यहाँ के स्थानीय विकास है और ये गांव का नाम माटगी है। इस गांव में हमने अभी कुछ लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि रामचंद्र जी अवसरे जो इस क्षेत्र के विधायक है, उन्होंने इस गाँव को क्या क्या अपने माध्यम से, स्थानीय विकास निधि के माध्यम से बोलो या विधायक के तौर पर, इस गाँव को क्या क्या उन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस कामों की जो ये दिया गया है, जैसे सड़कें हो गई, बिजली हो गई, क्या दिया है उन्होंने। क्या नाम है आपका? भागवत टिचकुले। टिचकुले जी बताइए, रामचंद्र जी अवसरे इस गांव में कितनी दफा आए हैं? उन सुन के आए तब से एक भी दिन इस गांव को आए नहीं। अच्छा, रामचंद्र जी अवसरे के बारे में आप बताइए कि आप कभी उनके पास कोई अपनी समस्या लेके गए हैं, कभी फोन पर वगैरह कभी बात हुई उनसे? उनके ऊपर फोन के ऊपर वो मेरे को पहचानते, मैं उनको पहचानता हूँ। वो वकील थे, मैं पुलिस था। अच्छा, लेकिन माटगी गांव की विद्युत की समस्या लेके उनके पास यहाँ के लोग गए तो मेरे को वो गांव से लेना नहीं देना नहीं, वो गांव के जनता ने मेरे को मतदान नहीं दिया और मैं उनको देखता नहीं और पहचानता नहीं, ऐसे उनके वर्ड थे। अच्छा, जैसा कि अभी इन्होंने बताया हमें कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कहा, इनको जवाब दिया था कि यहाँ के लोगों ने मुझे कोई चुनकर दिया नहीं है और मैं यहाँ के इस गांव को भी पहचानता नहीं, जबकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है। और लोगों से हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? दयाराम वैद्य। वैद्य जी बताइए, आप आपके गाँव में क्या क्या योजनाओं के माध्यम से विकास हुआ है? कौन सा विकास के लगा? इतना विकास तो अलग नहीं ना। अच्छा, वो आई नहीं क्या आपके गांव में? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये भाई यहाँ का जो विकास है वो विधायक ने नहीं करने के बाद अब क्या आपका विचार बनता है? देखेंगे आगे। हाँ, वो तो आप तो देखेंगे, वो तो आपका वैयक्तिक मत है, उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को रोजगार हमी के तहत कितने दिन काम मिल पाया? एक भी दिन नहीं काम रोजगार हमी। रोजगार में एक भी नहीं, पाँच साल में एक भी बार काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ यहाँ पे रोजगार हमी का। साइकिल नहीं दी है। अच्छा, अभी तक के आपके गाँव में शिक्षा वगैरह की व्यवस्था है? शिक्षण? हाँ, स्कूल वगैरह है ना? है। कहाँ तक के आते बच्चे वगैरह है बराबर? हाँ, टीचर वगैरह बराबर। अच्छा, आपके गांव में जो अस्पताल की व्यवस्था है वो है? हाँ। अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में तो कोना दिला जी अपने ला? तो मरखट जा कौन जावा चाहे मी का मन तो कोना दिला? गवर्नमेंट ने दिला कोट्यातून दिला ते मना तो दिला सरकारच्या कोट्यातून। तो आपके गांव में एक भी बार रामचंद्र अवसरे आए नहीं है अभी तक? नहीं, नहीं। अच्छा, देखने में ये भी आया है कि आपका गांव का जो आपने देखा नहीं क्या? अच्छा, जैसा कि हमें इन्होंने अभी बताया कि उन्होंने उन्हें देखा भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राजू तिवाड़ी। तिवाड़ी जी, आप विकलांग है, क्या हुआ था आपके इसको? खेत में गिर गया था। अच्छा, खेत में गिर गए थे, कितने वर्ष पहले की घटना है ये? अभी 4 वर्ष हो गया। 4 वर्ष हो गए। अच्छा, ये जो विकलांगों को विधायक के तरफ से कुछ साइकिल रिक्शा वगैरह नहीं, तो आपने कभी मदद मांगी उनसे? मांगा ना। तो क्या बोले उन्होंने? दिया नहीं तो हम वापस आए, मैं भंडारे से। अच्छा, भंडारा से आप वापस आ गए। देखिए, हमारे साथ अभी एक जो जुड़े हैं ये भी एक दिव्यांग है और इनको उन्होंने यहाँ जो स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत इन्हें एक साइकिल रिक्शा वगैरह भी दी जाती है, ये मांगने के लिए गए थे उनके पास लेकिन उन्हें दिया नहीं है, ऐसा उन्होंने ही हमें अभी बताया है। लगभग इस गाँव में देखा जाए तो सारी जगह समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और ये अंबारों की वजह से यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी त्रस्त है। विधायक के वजह से
यहाँ के जो लोगों का रोजगार वगैरह के भी कोई साधन मुहैया नहीं है। मैं फिर से इनसे एक सवाल करता हूँ, आपके यहाँ रोजगार वगैरह यानी स्थानीय रोजगार वगैरह कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, किसानी के अलावा रोजगार कुछ नहीं है आपके यहाँ? तो विधायक ने कभी इस पर पहल वगैरह की है? कुछ नहीं, मेरे को लेना नहीं बोलते और देना नहीं, और इसके बाद मेरे पास खड़ा नहीं होना है करके उन्होंने वर्ड बोले। अच्छा, ऐसा वर्ड उन्होंने बोला हुआ है। लगभग विधायक ने इन्हें धुतकार दिया था, और इस तरीके के अगर विधायकों का अगर रवैया रहेगा तो जनता शायद परिवर्तन की ओर बढ़ते जाएगी। हम लोग माडगी गांव में फिर से कुछ लोगों से हम लोग अभी यहां चर्चा करेंगे। यह 61 नंबर की विधानसभा का इलाका का आता है, ये भंडारा विधानसभा क्षेत्र है, और इस भंडारा विधानसभा क्षेत्र के अवसर करके यहां के स्थानीय विकास विधायक है। तो अब हम कुछ लोगों से यहां चर्चा करेंगे। आपके गाँव में कितनी दफ़ा अवसर जी आए हैं? कई बार तो नहीं आए जी, अवसर एक भी बार नहीं आए हैं। अच्छा बताइए, आपके गांव में रोजगार जो हमी के काम कितने दिन चले? ये कई दिन नहीं, एक भी दिन नहीं चले, पिछले 5 सालों में नहीं चले नहीं। एक भी नहीं। अच्छा, आपके गांव में सड़कें वगैरह अभी जो हमने देखी है काफी बुरी हालत है उनकी, तो इनका कभी आपने विधायक के तरफ बताया नहीं क्या उनको? बताया पर लोगों कोई मानते नहीं। अच्छा, तो उन्होंने इस गाँव में यानी एक भी दफा आए नहीं है वो? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ के जो विधायक है उन्होंने इस जगह रोजगार के लिए कोई साधन वगैरह या मेड़ावा वगैरह किया है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कराया है। क्या नाम है आपका? प्रशांत गजबी है। गजबी जी बताइए, इस गांव में सुशिक्षित बेरोजगारों की कितनी संख्या होगी? 200 या 300 होगी? करीबन 150। 150 लोग हैं। तो रोजगार के लिए संबंधित कभी विधायक से चर्चा वगैरह हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। अच्छा, और यहाँ फिर यहाँ की रोजी रोटी कैसे चलती है, रोजगार कैसे क्या है यहाँ? ये खेती बाड़ी और क्या बोलते हैं उसको, खेती के काम पर से ही। अच्छा, खेती के कामों से ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रामचंद्र अवसरे करके जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनको कभी आपने इस गाँव में आए कभी? हाँ, दो बार आए। आए हैं आपके गाँव में दो बार? कौन से कोई प्रोग्राम वगैरह क्या थे? नहीं, उन्होंने एक जन सुविधा से मशीन सेट दिया था माडगी ग्राम माडगी को। अच्छा, तो उसके भूमि पूजन के लिए आए थे? भूमि पूजन के, और उसके बाद? उसके बाद एक बार आए थे। और तो वो कोई कार्यक्रम था, फंक्शन था? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही आए थे, ऐसे ही घूमते फिरते आते हैं। अच्छा, आपके गांव में बिजली की समस्या बनी हुई रहती है हमेशा, शाम को बिजली चली जाती है, दूसरे दिन तक के नहीं आती, तो इस संदर्भ में कभी आप लोगों ने उनसे चर्चा की? नहीं, ऐसी कोई बात अभी फिलहाल है ही नहीं। अच्छा, बिजली की फिलहाल कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, और इस गांव में और क्या क्या समस्या है पीने के पानी की वगैरह? पीने के पानी की तो बहुत समस्या है, तो उस संदर्भ में कभी कोई बात हुई? अभी जहाँ तक के MLA से तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन जिला परिषद से ग्राम पंचायत ने कई बार ये किया है कि अपने 15 साल से ढोला बना है पानी का। अच्छा, पानी बनी, की टंकी बनी हुई है, पानी नहीं हुई, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। इस गाँव में और क्या समस्या लग रही है आपको? मेरे ख्याल से समस्या तो यहाँ आरोग्य की सबसे ज़्यादा समस्या है। अच्छा, अस्पताल की समस्या जो, इसलिए कि यहाँ से हमारा जो ये है माडगी सब सेंटर है। हाँ, और हमारी जो PHC है यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है, लेकिन वो 12 किलोमीटर जाने के लिए हमको 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से ऑटो से जाओ तो पहले लाखनी जाओ। अच्छा, फिर लाखनी से धारगाँव जाओ। अच्छा, तो ये मेरे माध्यम से मेरी ये मांग है कि हमारे यहाँ जो सब सेंटर है वहाँ पर एक औषधि निर्माता पद निर्माण करना चाहिए। हाँ, और एक डॉक्टर देना चाहिए जो नए फुल डे पर एक 2-4-5 घंटे के लिए हमारे ग्राउंड। अच्छा, यानी यहाँ के अस्पताल में फार्मेसी भी लगानी चाहिए और मतलब जो कुछ डॉक्टर भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि कितने बार दफा आए आपके गाँव रामचंद्र अवसरे? दो बार आए हुए। अच्छा, कभी उनसे आप कोई समस्या लेकर चर्चा की आपने? हाँ, हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, हमने उनसे बोले हाँ कि हमको हमारे गांव में अभी तक तुम आए नहीं, अभी तो आए तो कुछ काम दे दो। हाँ, तो उन्होंने स्मशान सेट दे दिया। अच्छा, और एक वो रोड का काम दे दिया, अभी वो बनने को थे। अच्छा, अभी 1 साल हो गया। हाँ, उन्होंने वो स्मशान सेट दिए लेकिन अभी तक के वो काम होने को थे, पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है आपके गाँव में? अच्छा, और आपके गांव में स्वास्थ्य वगैरह सेवा वगैरह यानी अस्पताल वगैरह? अस्पताल है लेकिन क्या है उसमें डॉक्टर वगैरह बहुत कम रहते हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ वो मच्छर ने काटा तो मलेरिया हो गया, और एक हमारे गांव की भाई दगा हो गई। अच्छा, गुजर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पीने के पानी की समस्या को लेकर कभी आपने चर्चा की आप, क्योंकि मेंबर ही है ग्राम पंचायत का, बताइए ना उनसे। उनसे बोले थे हम जाके बोले। हाँ, लेकिन वो बोले कि तुम्हारा गांव हमारी वोटिंग कम मिली तुम्हारे गांव की, तो अच्छा उसका विचार बाद में करेंगे।
यानी आपके गांव में उनको वोटिंग कम मिली है करके इस गांव को विकास से दूर रखा गया, अरे और लास्ट में पांचवा वर्ष है उनका। हाँ तो अभी उन्होंने एक ही खाली काम दिया स्मशान सेट का। अच्छा अभी तक की कोई काम नहीं दिए। अच्छा अच्छा और कोई काम नहीं दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मैं राजू आने। आप माटगी गांव के रहने वाले? यहाँ इस गांव में रोजगार हमी के काम कितने दिन चले? वैसा तो चला चाहिए यहाँ पर ज्यादा। अच्छा यहाँ पर जो स्वयं सेवक है कि नहीं? हाँ तो उसके हिसाब से और ये राजकारण के हिसाब से गांवटी राजकारण। हाँ यहाँ पर काम बराबर आया नहीं, काम ही नहीं आया आपके गांव में। तो आप लोगों को यहाँ जो रोजगार है वो केवल खेती के वजह से ही रोजगार मिल पाया है इस वर्ष? हाँ वैसा खेती के हिसाब से, खेती के हिसाब, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो कोई है ही नहीं आपके आजू बाजू। बराबर बराबर। अच्छा यहाँ के जो विधायक है उनको आपने कितनी बार इस गाँव में देखा है? वैसे तो यहाँ के जो सदस्य वगैरह है ग्राम पंचायत के बोले। हाँ तो इन्होंने बोले है। हाँ ग्राम सभा वगैरह में। हाँ चर्चा हुई है लेकिन वो आते नहीं। वो आते नहीं है? अच्छा वो क्यों नहीं आते होंगे आपको कुछ ऐसा क्या लगता है? अभी कारण तो बहुत है जी। अच्छा वजह बहुत है? वजह बहुत है। अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका? बलवाल। आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास सड़क यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभ मिले हैं किसी को? घरकुल वगैरह मिले हैं? घरकुल तो मिले जी कोई कोई को। अच्छा किसी किसी को मिले? और आपके गांव में सड़कें वगैरह बनी है? नहीं सड़कें नहीं बनी। अवसरी जी को आपने कितनी दफा देखा है आपके गांव में? अवसर उपचार तो कुछ नहीं है यहाँ पे, आते ही नहीं क्या वो? नहीं। अच्छा लगभग देखा गया है ये माटगी गांव में हम जहाँ भी रुके थे यहाँ भी लोगों की काफ़ी समस्या है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो इनकी समस्याओं को हल करने में असफल साबित हुए हैं। लगभग देखने में ये आया कि स्थानीय विधायक जो है उनको इस गांव में वोटिंग कम मिली थी और वो वोटिंग के कम मिलने की वजह से वो इस गांव पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इस गांव में काफ़ी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा यहाँ नदारद है, साथ ही साथ यहाँ रस्तों की हालत काफ़ी ख़राब है, रोजगार के साधन नहीं है इस गांव में और मूलभूत सुविधाओं में यहाँ पीने के पानी की जो एक टाँकी बनी हुई है लेकिन वो टाँकी में पानी आज तक के लोगों को नहीं मिल पाया। ऐसी कई समस्याओं को लेकर गाँव वालों से हमारी चर्चा हुई है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशान भाई। आपने अभी देखा माटगी गाँव वालों की समस्या, जैसा कि इन लोगों ने ही बताया हमें कि इस गांव से उन्हें कम मत मिले, जिसमें उनको कम मत मिलने की वजह से उस गांव का उन्होंने पूरी तरह से विकास रोक दिया। कितना सच होता है? आखिर विकास से लोगों को ही दूर रखा जाता है? अगर आप उसको मत नहीं देते, अगर आप उनको वोट कम मिलते हैं आपके क्षेत्र में तो आपका भी हाल यही हो जाएगा। यह है सच्चाई, यह है वास्तविकता। क्या विधायक को आप चुनना और विधायक का विकास करेगा आपके लिए, यह सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि विधायक अपने ही व्यवस्था को सुधारने की बजाय उसे ही करप्ट करता है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे हम पहला ग्राम के लोगों का क्या कहना है। यह भी विधानसभा क्षेत्र भंडारा का ही गांव है जिसमें रामचंद्र जी अवसरे ने क्या किया है इन गांव वालों के साथ, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। असली इंडिया।